बच्चों, आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। वो क्या है? सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते, जैसे कि टाइम। जैसे आप कहते हो कि आप अपने घर से स्कूल आने में आपको 30 मिनट लगते हैं, तो आप टाइम को मेजर कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे आप बाजार में गए किसी दुकान पर सामान लेने के लिए और आपने दुकानदार को कहा मुझे 1 किलोग्राम चीनी चाहिए, तो 1 किलोग्राम क्या है? चीनी का मास है। तो मास भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से टाइप्स है? वो स्केलर और दूसरी है वेक्टर। स्केलर्स क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स उनकी केवल एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बताया टाइम के बारे में कि आपको आपके घर से स्कूल आने में 30 मिनट्स लग रही है, तो उसमें जो 30 मिनट्स हैं आपने यहाँ पे केवल क्या बताया? एक नंबर बताया, मीन्स एक मैग्नीट्यूड बताया टाइम का कि कितना है, 30 मिनट्स। दूसरी तरफ हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें होगी इसमें। फॉर एग्जांपल, हमने कहा वेलोसिटी ऑफ कार इज 20 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या खास बात है कि हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी बताया और साथ में डायरेक्शन भी बताया। इसमें हमने ये भी बताया कि कार जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है। अगर खाली हम सिर्फ ये बताते 20 किलोमीटर पर आवर तो ये बन जाती स्पीड। स्पीड हमारी जो है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके अंदर हम केवल मैग्नीट्यूड बताते हैं। और वेलोसिटी क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हम साथ में ये भी बताएंगे कि वो किस डायरेक्शन में